गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का व्लॉग होगा, आज हम शाम को कहीं जाने वाले हैं वैसे बाहर कुछ डिफरेंट ट्राई करने के लिए, जो कि क्या संग लेके जाने वाली है। बट बिफोर दैट मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब मैं आज क्या कर रही हूँ ना वे, और फिर मैं शाम को आपको मेरे साथ लेके जाऊंगी डिनर में। तो अभी मैं बस उठी हूँ और पूरा रूम मेस्ड अप पड़ा है, आप देख सकते हो। तो फिर मैं अब पहले जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाती हूँ, फ्रेश होके आ चुकी हूँ। अब मैं जब फटाफट से बिस्तर में मिला के फिर ब्रेकफास्ट खा रही हूँ, ताकि मुझे कहीं जाना है एक्चुअली। ब्रेकफास्ट रेडी, इसमें ये मैंने फ्रूट्स अनानास का डाला, या जो ड्राई फ्रूट्स अनानास होते हैं वो डाला इसमें। हमारे रूम में क्या होता है कि जब मेरी छुट्टी होती है एकदम से यहाँ से धूप आती है तो बहुत अच्छा होता है, बट यू नो मेरी आँख में लगती है, तो मैं क्या करती हूँ बंद कर देती हूँ। अभी मैंने बंद कर रखा है, आप देख सकते हो कर्टन्स बंद कर रखे हैं। मैं साथ साथ में रेडी हो रही हूँ, मैं अंदर से जिम का कपड़ा पहन के जाऊँगी, क्योंकि मुझे मैं बता देती हूँ। इसे मैं कहा जा रहा हूँ, पहले मैं ये है मम्मी का पासपोर्ट एंड टिकट्स फॉर नेपाल, क्योंकि मम्मी नेक्स्ट मंथ नेपाल जा रही है, तो उनके लिए वीज़ा अप्लाई करना जा रही हूँ एम्बेसी में, नेपाल एम्बेसी में। इसलिए मुझे पहले एम्बेसी जाना है टाइम से, और उनका क्या होता है 1 बजे से 2 बजे तक ब्रेक होता है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं 1 बजे से पहले ख़त्म करके मैं फिर वहाँ से डायरेक्ट जिम जाऊँगी, क्योंकि वहाँ से सामने भी है मेरी जिम उस तरफ से, और इसलिए मैं अंदर से जिम का कपड़ा पहन के जाऊँगी। एंड दूसरा मैंने अभी शावर भी नहीं लिया है, मैं हो गई हूँ रेडी जल्दी फटाफट से, मैंने जो मिला मुझे वही पहन लिया। मैंने इसके नॉर्मल घर का टी शर्ट है और यह घर का पजामा है, मतलब नॉर्मली मैं ऐसे ही पहन के जाती हूँ, तो मैंने अपना हल्का सा मैंने टेंट लगा लिया और मैंने सामान रख दिया। हाँ, मैं यही जैकेट पहन रही हूँ जो काम पे भी मैं पहन के जाती हूँ, और ना वे तो फिर अब मैं रेडी हो गई, और तो मैं निकल रही हूँ, मेरा बस आने वाला है। एंड देन आई विल कंटिन्यू दिस ब्लॉग, ओके बाय बाय, नॉट बाय बाय, आई कंटिन्यू दिस ब्लॉग, तो हाँ स्टे ट्यून्ड। चलो, देखो मौसम कितना सनी अच्छा लग रहा है, और देखो यहाँ पे फ्लावर्स आ रहे हैं, जैसे कि अभी स्प्रिंग सीजन है, तो ये फ्लावर्स कितने अच्छे लग रहे हैं देखो। गाइस मैं जिम पहुँच गई हूँ, और कैसा पहुँचने अभी तक, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अब रात के 7 बज चुके और मैं वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरा बैटरी ऑफ हो गया था। मैं एम्बेसी गई थी, मैंने मम्मी का वीज़ा लगाया था, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट जिम गई थी, जिम के बाद मैं कैसन के साथ गई थी, और उसके बाद मैं करण के साथ शॉपिंग करके घर पहुंची थी अराउंड लाइक 4:30। तो फिर नहा धो के फिर अभी थोड़ा रेडी होके अब मैं जा रही हूँ, आज हम जा रहे हैं हॉट पॉट खाने, मैं और कैसन के जा रहे थे उसके लिए। और हाँ मैं रेडी हो गई हूँ, आप देख सकते हो मेरा आउटफिट, ऐसा कुछ खास नहीं है, बट मैंने ये ऊपर से लगा दिया, मैंने सब ओवरऑल पूरा ब्लैक पहन रखा है। एंड देन हाँ हो गया, मेरा बाल अजीब लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं बाल धोने के बाद देखो कितना रफ हो जाता है, मैंने इसको मेकअप थोड़ा ज़्यादा हो गया, इस पर कोई बात नहीं है। मैच कहूँ क्योंकि कैसंग पहले निकल चुकी है, और वैसे मैं मुझे टाइम नहीं लगेगा पहुँचने में, तो अब मैं निकल रही हूँ बस देख के, फिर मैं अब यहाँ से व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। फाइनली मिल गए कैसांग भी, और यहाँ है ट्रेन में, और यहाँ से हमें लगेगा आई थिंक 30 मिनट्स पहुँच गए हैं। देखो मजे के दिखाते हो, ये रहा लंदन का मेट्रो। गाइस देखो हम पहुँच गए, और ये बहुत अच्छा व्यू है, ये है क्या है ये जगह का नाम बताए मैं भूल गई, समथिंग कैस्टल, ट्रफलगार स्क्वायर, ट्रफलगार स्क्वायर, ये देखो चलो कहीं तो आ गए, अच्छा हुआ बाहर निकल गए। चलो यहाँ से कहाँ जाना है, कैसा लेके जा रही है, लीड कर रही है मुझे यहाँ पर। ये गैलरी है एक्चुअली, तो ये अभी बंद हो गई है,
हम बाद में आएंगे बाद में पता नहीं कब आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अब जा सकते हो। गाइस हम लोग है चाइना टाउन पे, यहाँ का चाइना टाउन में बेसिकली लाइक सारे चाइनीज वो है, शॉप्स वगैरह थिंग्स में खाना सारे चाइना में मिलेंगे, चाइनीज आई मीन। हाँ बहुत अच्छे अच्छे पॉपुलर। क्या है ये? अच्छा आईलाइनर है आईज बड़ा करने के लिए, सारे कोरियन उसके लिए। ये देखो ये ना प्रोडक्ट्स। एक्चुअली मैं यहाँ आ चुकी हूँ पहले, बट अच्छी तरह घूमी नहीं हूँ, जस्ट लाइक वॉक करके घर गई हूँ। तो दिस इज चाइना टाउन, फेमस प्लेस फॉर चाइनीज एंड एशियन पीपल्स हियर। सो इसमें सारे एशियन खाने चाइनीज सब मिलेंगे यहाँ पर तुम्हें। व्हाट इज दिस, क्या है ये? ये केक शॉप है। गाइस हम बेकरी पे आए हैं एंड ये सारा आपका फ्रेश बेकरीज यहाँ का। सो मैंने ये लिया है करण के लिए, ये और कुकीज खाने के लिए। लेट्स सी जैसा नहीं ले, ये क्या, ये अच्छा लग रहा है ना, ये मैक्सिकन बन, कॉफी मैक्सिकन बन रहे, अच्छा लग रहा है ये बहुत अच्छा कॉफी। और ये क्या, ये कैसे लगा, दो स्टिक भी अच्छा लग रहा है आपको, ये अच्छा लग रहा है दो स्टिक, मैं थोड़ा दिखा देती हूँ। ओह कैसा, ये देखो फ्राइस ऐसे में बॉल, बचपन में खाते नहीं थे वैसे वाला। ये शॉप है गाइस, बहुत फेमस ये चाइना टाउन का बेकरी, जहाँ से हमने ये केक खरीदा है स्पेशल। एंड यहाँ का जो फेमस है ये कैसा ट्राई कर रही हूँ यहाँ का फिश एग है अंदर। अच्छा ना एग का वो अंदर का भी जो है ना कुसुम पूरा रामेन है यहाँ पर। और मैं 3X है, मैं 3X ढूंढ रही थी, 3X नहीं है, 2X है, 2X 2X है अभी घर में, तो मैं 2X नहीं लेके जा रही हूँ। गाइस हम हॉट पॉट पे गए थे, ये रहा थोड़ा कंजेस्टेड है बट इट्स अ गुड प्लेस टू विजिट। तो यू कैन सी एंड हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए, हम आ गए हॉट पॉट पे। और ये रहा इसमें ठीक करना पड़ता, ठीक करना पड़ता और ये वन मेन्यू, और इसमें टिक करना है जो आपको चाहिए वो टिक करना है। तो आई एम गोना चेक द मेन्यू फर्स्ट, ये मैंने ऑर्डर किया था ग्रेप फ्रूट ग्रीन टी था, बट ये ग्रीन टी लाइक वो नहीं है, ये निकला कोल्ड ठंडा ठंडे में, तो इट्स फाइन बट इसका टेस्ट अच्छा है। ये मैंने ट्राई किया, इसका टेस्ट अच्छा है। गाइस हमारा खाना आ गया, लुक एट दिस, मेरा स्पाइसी है एक्स्ट्रा स्पाइसी एंड केसांग का नॉर्मल स्पाइसी, तो ये सब ऑप्शन मैंने डाले इसमें एंड लेट्स ट्राई। एंड ये मेरा पहली बार ट्राई है, आई डोंट नो व्हाट दिस कॉल्ड इज, वहीं रख दो ना। ये मैं पहली बार ट्राई करूँगी, इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ट्राई करने के लिए। लेट्स गो अहेड एंड ट्राई नाउ। गाइस मैं खा नहीं पाई, मुझे ज़्यादा हो गया, लाइक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, मतलब लाइक सूप बहुत टेस्टी है बट ख़त्म नहीं हो सकती है क्योंकि मैंने इसमें नॉन वेज डाला है। और केसंग लेके भी चले गए, केसंग ने भी तो ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया था, बट इससे ज़्यादा मैंने खा सकी क्योंकि बहुत हैवी है बट बहुत टेस्टी है एट द सेम टाइम।
गाइस हम लोग निकल चुके हैं और हमारा पेट हो गया है फुल और हम यहाँ से वॉक कर रहे हैं ताकि जो हमने ठूसा है उसको थोड़ा पच जाए। ये वॉकिंग करने के लिए अच्छा है वैसे, है ना, ऐसे वॉक करो लॉट पीपल, बट यहाँ पर चोरी भी होती है तो अपना बैग संभाल के रखो अपने हाथ पे। अब हम थोड़ी देर वॉक कर रहे हैं एंड देन विल गो टू आवर होम। अब जा रहे हैं हम घर, बहुत घूमना हो गया मेरा खुटा, इलेवन दुग्धेश्वर खुटा दुग्धेश्वर इलेवन।